हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम है उर्वशी और आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। सो आज मैं और मेरी मम्मी सेल्फ केयर, स्किन केयर, हेयर केयर, बेसिकली पैम्परिंग डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा बहुत ज़्यादा काम करती रहती है और कभी खुद को कुछ टाइम देती नहीं है। और मैंने सोचा कि मैं घर आई हूँ सो मम्मी को थोड़ी केयर देनी चाहिए जो वो डिज़र्व करती है। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू दिस वीडियो। और ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने प्लान करी है कि हम लोग करने वाले हैं। सो लेट्स सी कि कैसा होता है, क्या होता है। बने रहिए इस वीडियो में, बहुत मज़ा आने वाला है। मैं मेरी मम्मी की हेयर मसाज करने वाली हूँ। तो खाली बस नहीं हुआ, अच्छे से करके दे। तो मम्मी आज भी बन गया है पार्लर वाली दीदी। वेलकम टू उर्वशी पार्लर। सो वी आर डन विद द हेयर मसाज। मम्मी तुला कसा वाटत आहे? खूप छान वाटत आहे, टेंशन दूर झालं वाटत आहे आणि फ्रेश वाटत आहे। थँक्यू। नेक्स्ट स्टेप इज हम लोग करने वाले हैं मम्मी के लिए फेस पैक। अरे यार ठीक है ना, तो जैसे हल्दी, बेसन और मिल्क का फेस पैक मिक्स। सो ये पेस्ट हमारी बन चुकी है। अनमी है तो मम्मी ला लाऊं देना। आई हैव दिस क्यूट, आई लव क्यूट सा हेयर बट सम। हमारा फेस पैक निकाल लिया है और मुझे तो काफी अच्छा लग रहा है। तुला कैसा वाटता है? छान वाटता है, खूब स्मूथ वाटता है। का तू? सो हम लोग पहले वैक्सिंग करने वाले थे बिकॉज हमारे फेस का अभी टैन थोड़ा बहुत निकल गया है, तो हाथ पैर का भी टैन उससे निकल जाता है। बट मम्मी को वैक्सिंग नहीं पसंद। नहीं, मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, बहुत उसको चिकट चिकट लगता है। से टाइम पास इतना होता है और जलन भी होती है। सो इसलिए मैंने एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव ढूंढा है वैक्सिंग का, एंड इट्स सो इट्स न्यूड की एंटी हेयर रिमूवल क्रीम। और ये लोग क्लेम करते हैं कि इससे 5 मिनट में तुम्हारे हाथ पर के सारे बाल निकल जाएंगे। सो हमारा टाइम पास भी नहीं होगा, इससे टैनिंग भी ग्रेजुअली रिमूव होती है। और इसमें पपाया और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है जिससे हमारे बाल पे ये हार्श होता है बट स्किन पे काफी सॉफ्ट होता है। और इसमें आर्बुटिन और कोजिक एसिड है जो हमारे स्किन को ब्राइटन करने के साथ साथ डार्क स्पॉट्स को भी कम करता है। ये ट्विन पैक में आता है और इसमें एक एप्लीकेटर होता है। सो वी आर गोइंग टू ट्राई दिस ऑन आवर स्किन। वी अप्लाइड इट और इसकी स्मेल तो काफी अच्छी आ रही थी, लाइक कोई भी हार्श स्मेल नहीं थी। और बस 5 मिनट रखने के बाद हमने इसको कॉटन के कपड़े से रिमूव कर दिया और हम लोग रिजल्ट से शॉक हो गए थे। लाइक इट्स टोटली टोटली वर्थ इट। आप लोग इसको अमेजोन से या फिर फ्लिपकार्ट या मीशो से खरीद सकते हो, मैंने सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। सो हमने नहा लिया है एंड वी हैव गॉट रेडी टू गो फॉर शॉपिंग। सो मम्मी नीचे मेरा वेट कर रही है। गाइस, सो हम लोग शॉपिंग करने के लिए घर से निकले थे लेकिन पापा ने हमको दुकान में बिठा दिया क्योंकि उनको एक शादी अटेंड करने जाना था। सो अभी मैं और मम्मी इधर वेट कर रहे हैं। जो पेता यार। गाइस, सो आम्ही आमच्या चंद्रकांत दादाला रिक्वेस्ट करत आहो, प्लीज आम्हाला चहा आणून दे, झोपेत आहे। पण आमचा भाऊ खूपच भावकाते गाइस। चंद्रकांत भाऊ मान गए, आम्हाला चहा आणून देता आता। हमको चाय पीने मिल गई गाइस फाइनली। ये चाय पी, हाय गाइस चाय पी लो। चाय का कोई वक्त नहीं होता। पापा भी लेट कर रहे थे तो हमने जो मूवी रात को देखने की प्लान की थी वो अभी शुरू कर दी। फाइनली आ गए हैं। पापा तुम्हें इतना वेट कौन लावला? आओ का शादी में आगे तो होगा ही। हां भाई, तुला काय घ्यायचं सांग ना। टॉप जीन्स, टॉप आणि जीन्स आवडलं काही नाही? छान आहे, घालू शकते। नाही आवडला तुला? तुला काय पाहिजे? क्रॉप टॉप। तू क्रॉप टॉप घालशे? हो। मला का नाही घालू दे? तू घालते? हो हे घाल। मम्मी ते टॉप आहे, ते ऑफ शोल्डर टॉप आहे मम्मी। यहाँ सिर्फ 167 में कॉटन की कुर्तीज मिल रही थी तो मैंने भी एक ले ली।
है तुला बैकग्राउंड म्युझिक कसं वाटतं? खूप छान भजन कुर्तीज. Hey guys, so we are done with our shopping. ये प्लाजो को मैं डांस के लिए भी यूज करूंगी. हम लोग अभी शॉपिंग करके घर आ चुके हैं और मैंने मम्मी को मस्त वाली चाय बनाई. हमारे घर पे गेस्ट भी आए थे सो मैंने वो उतना कुछ शूट किया नहीं. एंड इसके बाद खाना खाने के बाद वील वॉच मूवी टुगेदर. अगर मैं वो शूट करती हूँ तो आई विल ऐड द क्लिप. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू गाइज एंजॉयड. लाइक मुझे तो बहुत अच्छा लगा. आई टोटली लव्ड बींग विथ माई मॉम. और मैं वैसे भी बाहर रहती हूँ तो मम्मी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर नहीं पाती हूँ. सो जब भी आती हूँ आई रियली वॉन्ट कि मैं मम्मी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाऊँ. सो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा. और मैंने सिल्वर प्ले बटन वाला व्लॉग भी शूट किया है. आपको शॉर्ट देख के लग रहा होगा कि बहुत ही फन हुआ सब, बट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी हुई थी. वो एडिट हो गया है ऑलमोस्ट और वो भी जल्दी ही आएगा. सो उसको ज़रूर से देखना और बहुत सारा प्यार देना. और मुझे कॉमेंट में बताओ कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और आपको किस टाइप की वीडियोज़ और चाहिए. व्लॉग्स चाहिए, चैलेंजेस चाहिए, या मॉम डैड के साथ चाहिए, या डेली रूटीन, या कैसी क्वेश्चन आंसर्स, कैसे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट्स में टिप्स दो. और मैं ट्राई करूंगी कि अभी मैं ज़्यादा एक्टिव रहूँ लॉन्ग फॉर्म में, क्योंकि ऐसे मैं आप लोगों से ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ, आप लोग मेरे को ज़्यादा जान पाते हो. और सब्सक्राइब कर रहे हो अगर आपने नहीं किया और अब तक वीडियो देखी है तो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन वाला बेल भी ऑन कर देना. या फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. फेसबुक पेज मैंने अभी अभी खोला है सो प्लीज़ वहाँ सपोर्ट करिए. फेसबुक हमारे मम्मी पापा लाइक ज़्यादा यूज़ करते हैं सो उनको भी फॉलो करने लगाओ. एंड थैंक यू सो मच हमेशा इतना प्यार बरसाने के लिए. सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.